Welcome. This question is asked in NET exam June 2014 in paper 3. This is the question of operating system. Our question is, consider a program that consists of 8 pages from 0 to 7. And we have 4 page frames in the physical memory for the pages. The page reference string is, यहाँ पर page reference string दी गई है. The number of page faults in LRU and optimal page replacement algorithms are respectively without including initial page faults to fill available page frame with pages. तो इस question में calculate क्या करना है, page fault. और ये एक स्ट्रिंग दी गई है, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग. यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास टोटल 8 पेजेस है, वो इस सीक्वेंस में आने वाले हैं मेन मेमोरी में. और मेन मेमोरी में आपके पास 4 पेज फ्रेम्स फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल है. तो अगर आप LRU पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज करते हो तो कितने पेज फॉल्ट आएंगे, और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज़ करते हो तो कितने पेज फॉल्ट आएंगे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 तरह के पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक है. एक होता है फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दूसरा होता है LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड. और तीसरा होता है ऑप्टिमल. तो हम देखेंगे कि LRU से कितने पेज फॉल्ट आते हैं और ऑप्टिमल से कितने. तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ. यहाँ मैंने दोबारा पेज रेफरेंस स्ट्रिंग लिखी है फॉर लिस्ट रिसेंटली यूज. और इनिशियली ये मैंने यहाँ मेन मेमोरी ड्रॉ की है जिसके अंदर 4 पेज फ्रेम अवेलेबल है. तो इनिशियली आपका फर्स्ट पेज आ रहा है मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी के पहले फ्रेम में वो फिल हो गया. बाद में सेकंड फ्रेम आ रहा है तो वो सेकंड में फिल हो गया. बाद में थर्ड फ्रेम आ रहा है तो वो थर्ड में फिल हो गया. और बाद में देखो सेकंड फ्रेम, दोबारा से सेकंड पेज आ रहा है जो कि ऑलरेडी आपके मेन मेमोरी में अवेलेबल है यहाँ पर. तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ हिट और नंबर ऑफ मिस. तो नंबर ऑफ हिट क्या होता है, अगर आप किसी पेज को रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो मेन मेमोरी में अवेलेबल है तो उसे हम कहेंगे हिट. और मिस, अगर आप किसी पेज को रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो उसे हम कहेंगे मिस. और मिस ही होता है पेज फॉल्ट. तो नंबर ऑफ मिस अगर हमने कैलकुलेट कर दिया मतलब LRU के लिए हमें पेज फॉल्ट मिल जाएगा. तो मैं इसी मेमोरी में लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखूँगा मिस और राइट साइड में हम लिखेंगे हिट. तो पेज 2 आ रहा है जो कि ऑलरेडी इस मेमोरी के अंदर अवेलेबल है. इनिशियली 1 आया, बाद में 2 आया, बाद में 3 आया और देन अगेन 2 कम. तो मैं इसको राइट में लिख दूंगा यहाँ पर. फिर 5th पेज आ रहा है तो एक फ्रेम अवेलेबल है हमारे पास तो ये फिल हो जाएगा, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 5. उसके बाद जो आ रहा है 6. अब अगर आप इस मेमोरी को देखोगे तो इसमें एक भी फ्रेम अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको ये जो न्यू पेज आपने रिक्वेस्ट किया है 6, इसको इनमें से किसी तो भी एक पेज के साथ आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. तो LRU टेक्निक बताता है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब इनमें से वो पेज इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर का वो पेज जो लिस्ट रिसेंटली यूज है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि जो काफ़ी समय से हो चुका है, काफ़ी समय हो चुका है यूज़ नहीं हुआ है इस मेमोरी के अंदर. तो 2 तो अभी रिसेंटली आया है, 1 काफ़ी समय से 1 यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, तो जो मेरा नेक्स्ट आने वाला पेज है वो मैं रिप्लेस करूँगा 1 के साथ. तो नेक्स्ट जो फ्रेम्स आपको मिलेंगे दैट इज 6, 2, 3 एंड 5. तो यहाँ पर पेज 5 आया था, यहाँ पर पेज 6 फिल हो गया, फिर आ रहा है 3,
थ्री ऑलरेडी इस मेमोरी के अंदर है, तो यहाँ हमें मिल गया एक हिट। देन आ रहा है फोर, फोर किसके साथ रिप्लेस होगा, लिस्ट रिसेंटली यूज, कौन सा पेज है जो काफ़ी समय से यूज़ नहीं हुआ है, तो आप कह सकते हो पेज टू। तो ये जो सिक्स है, ये जो फोर है ये रिप्लेस होगा सिक्स फोर थ्री फाइव। फिर आ रहा है सिक्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है, फिर आ रहा है थ्री जो भी ऑलरेडी यहाँ पर है, और फिर आ रहा है आपका पेज दैट इज सेवन, सेवन इज़ नॉट देयर। तो ये जो पेज सेवन है ये रिप्लेस होगा लिस्ट रिसेंटली यूज़। अब इसमें लिस्ट रिसेंटली यूज पेज कौन सा है, सिक्स अभी रिसेंटली आया है, फोर भी अभी रिप्लेस हुआ है, थ्री इज ऑल्सो देयर, सो फाइव, या फिर आप कह सकते हो यस फाइव। तो आप यहाँ पे सिक्स फोर थ्री सेवन ये पेजेस आ जाएंगे। देन नेक्स्ट पेज फ्रेम इज थ्री, थ्री इज ऑलरेडी देयर, सो दिस इज व्हाट हिट। देन नेक्स्ट आया है वन, सो वन विल रिप्लेस विथ नाउ विच इज द लिस्ट रिसेंटली यूज, तो ये रिसेंट है, थ्री इज ऑल्सो रिसेंट, ओके थ्री, थ्री इज लिस्ट रिसेंटली यूज। तो ये जो आने वाला पेज है दैट इज फाइव, इट विल रिप्लेस विथ सिक्स फोर फाइव सेवन, ओके। नेक्स्ट पेज इज थ्री, सो वन टू थ्री फोर, सो नेक्स्ट इज थ्री, सो ये थ्री रिप्लेस होगा लिस्ट रिसेंटली यूज, इसमें फोर फाइव, लिस्ट रिसेंटली यूज इज नाउ फोर, काफ़ी समय से फोर यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्स थ्री फाइव सेवन। फिर आ रहा है पेज सिक्स, पेज सिक्स ऑलरेडी इज़ देयर, तो ये आपको हिट मिल गया। फिर आ रहा है थ्री, थ्री इज़ ऑल्सो देयर, देन आ रहा है फोर, तो फोर रिप्लेस होगा सेवन के साथ जो कि काफ़ी देर से यूज़ नहीं हुआ है, सो सिक्स थ्री फाइव फोर। देन आ रहा है टू, टू रिप्लेस होगा फाइव के साथ, सो सिक्स थ्री टू फोर। देन आया फोर, फोर इज़ ऑलरेडी देयर, सो आपको हिट मिल गया। देन थ्री, थ्री इज़ ऑल्सो ऑलरेडी देयर, देन अगेन फोर, फोर इज़ ऑल्सो देयर, फिर आ रहा है फाइव, सो फोर थ्री फोर, फोर और थ्री तो लिस्ट रिसेंटली हो गए, टू को हमने रिप्लेस किया, सो सिक्स, तो ये जो फाइव है ये सिक्स के साथ यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, तो फाइव आ जाएगा फाइव थ्री टू और फोर। और फाइनली आ रहा है वन, तो वन रिप्लेस हो जाएगा आपका थ्री के साथ, तो आपको मिलेगा यहाँ पर दिस इज़ वन, तो आपको यहाँ पे मिलेगा फाइव वन टू एंड फोर। तो लेफ्ट साइड में हमने नंबर ऑफ हिट्स लिखे हैं और राइट साइड में हमने नंबर ऑफ मिस लिखे हैं। देखो कितने हिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव देन सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन। सो टोटल हिट्स हमको मिले थर्टीन और मिस हमको मिले दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो यहाँ पे मिस हमको मिले हैं टेन, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ हिट्स आर टेन एंड नंबर ऑफ मिस आर थर्टीन। सो थर्टीन मिस है, मीन्स थर्टीन पेज फॉल्ट है। अगर आप एलआरयू टेक्निक यूज कर रहे हो पेज रिप्लेसमेंट की, तो आपको थर्टीन पेज फॉल्ट मिले। बट अगर आप इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हो तो इसमें दिया गया है विदाउट इंक्लूडिंग इनिशियल पेज फॉल्ट्स,
इनिशियल पेज फॉल्स टू फिल अवेलेबल पेज फ्रेम विथ पेजेस, मतलब जब ये मेन मेमोरी खाली होगी तो इनिशियल के जो 1, 2, 3 हैं यहाँ ये भर गया पूरा, तो यहाँ तक के पेज फॉल्ट आपको कैलकुलेट नहीं करने हैं। मतलब यहाँ 1, 2, 3 ये आपको सब्सक्राइब करने हैं, तो 13 में से आप जब 3 सब्सक्राइब करोगे तो आपको LRU में जो पेज फॉल्ट है वो मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो LRU का हमने निकाल दिया है यहाँ पर 10, और अवेलेबल ऑप्शंस में बी और डी ऑप्शन है जिसमें 10-10 दिया गया है। अब मुझे ऑप्टिमल का फाइंड करना है, तो जाके वी कैन डिसाइड कि ये बी और डी में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्टिमल में दोबारा से हम इसी तरह से पेज को फिल करते जाएंगे, सबसे पहले 1 आ रहा है, देन 2 आ रहा है, 1, 2, देन 3 आ रहा है, 1, 2, 3, और उसके बाद दोबारा 2 आ रहा है। अब देखिए 2 इज़ ऑलरेडी देयर, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ 2 के लिए आपको हिट मिल गया। फिर 5 आ रहा है, सो एक फ्रेम अवेलेबल है, तो 5 के लिए रहेगा, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 5। देन 6 इज़ कमिंग, नाउ देर इज़ नो अवेलेबल फ्रेम, सो वी हैव टू रिप्लेस दिस 6 विथ एग्जिस्टिंग पेज फ्रेम। तो अब किसके साथ ये रिप्लेस करेगा, तो ऑप्टीमल में वो पेज जो आगे लेट आने वाला है, मतलब इन चारों में से वो पेज जो काफ़ी देर से आने वाला है उसको हमें रिप्लेस करना है, उसको हम अननेसेसरीली इसमें स्टोर करके नहीं रखेंगे। तो आपको आगे आने वाले पेजेस पता होने चाहिए, तो रिक्वेस्ट दी है 6 को, और 1, 1 जो कि यहाँ आने वाला है, 2, 2, 1 के बाद आ रहा है, 3, 3 जल्दी आ रहा है, 5, 5 भी जल्दी आ रहा है, तो इसमें जो 2 है वो सबसे लेट आने वाला है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो 2 से। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 1, 2, 6, 3 एंड 5। नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट पेज आ रहा है, दैट इज 3। 3 इज ऑलरेडी देयर, तो आपको हिट मिल गया यहाँ पर। फिर उसके बाद जो पेज आ रहा है, दैट इज 4। अब 4 किससे रिप्लेस होगा, 1, 6, 3, 5 अवेलेबल हैं, 6 इमीजिएटली आ रहा है, 3 इमीजिएटली आ रहा है, 1 आ रहा है, और बाद में 5 आ रहा है, तो 5 के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1, 6, 3, 4। फिर 6 आ रहा है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है, आपको हिट मिल गया। देन 3 आ रहा है, 3 इज़ ऑल्सो देयर। देन 7 नहीं आ रहा है, तो मैं 7 को यहाँ पे लिखूँगा, और 7 किसके साथ रिप्लेस होगा, 3 इमीजिएटली आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा, सो 1, 6, 3, 7। देन 3 आ रहा है, 3 ऑलरेडी आपको हिट मिल गया है यहाँ पर, 1 आ रहा है, 1 इज़ ऑलरेडी देयर, सो फिर से एक हिट मिल गया। देन 5, अब कौन सा पेज, 3 आ रहा है आगे, 6 भी आ रहा है, 1 सबसे लेट आ रहा है, और 7 तो नहीं आ रहा है, तो 5 जो रिप्लेस होगा वो 7 के साथ रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर आएगा 1, 6, 3, 5। देन नेक्स्ट इज 3, 3 इज़ ऑलरेडी देयर, नेक्स्ट इज 6, 6 इज़ ऑल्सो देयर, फिर से 3 आ रहा है, 3 भी ऑलरेडी यहाँ पर है, देन 4 इज़ कमिंग, 1, 2, 3, 4, 4 आ रहा है, ऑलरेडी हमारे 1, 6, 3, 5 है, अब ये 4 किसके साथ रिप्लेस होगा, तो 3 आने वाला है, 5 आने वाला है, 1 आने वाला है, 6 इज़ नॉट कमिंग, सो इट विल रिप्लेस विथ 6, तो आपको मिलेंगे 1, 4, 3, 5। देन 2 इज कमिंग, सो दिस 2 विल रिप्लेस विथ विच पेज इज कमिंग लेट, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 सबसे आखिरी में आ रहा है, तो ये 1 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, 2, 4, 3, 5। फिर उसके बाद 4 आ रहा है, 4 ऑलरेडी इज देयर, तो यहाँ पे आपको हिट मिल गया। 3 आ रहा है, 3 इज़ ऑल्सो देयर, आपको फिर से एक हिट मिल गया। 4 आ रहा है, 4 इज़ देयर, आपको हिट मिल गया।
फाइव इज़ देयर, आपको एट मिल गया, एंड देन वन, सो वन को आप रिप्लेस कर सकते हो वन फोर थ्री एंड फाइव, तो ये यहाँ पर इसका मिस रेशो। तो आप जब इसमें नंबर ऑफ़ हिट्स देखोगे तो नंबर ऑफ़ हिट्स राइट साइड में देखने हैं आपने, सो ये वन टू फोर, देन दिस टू सिक्स, देन दिस थ्री नाइन, देन वन टू थ्री फोर थर्टीन, तो यहाँ पे हमको 13 हिट्स मिले हैं। और मिस जब आप देखोगे तो वन टू थ्री, अगेन इन तीन मिस को हमको कंसिडर नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा वन, ये टू, इसको मैं ऐसे लिखा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो आपको मिस सिक्स मिल गए। मतलब पेज फॉल्ट ऑप्टिमल केस में आपको मिल गया सिक्स, एलआरयू के केस में हमको मिल गया पेज फॉल्ट दैट इज टेन, और ऑप्टिमल के केस में मिल गया सिक्स। तो यहाँ जो ऑप्शन है, लेट मी चेक वन मोर टाइम, ये एक दो तीन कंसिडर नहीं करने हैं। ओके, दिस इज़ वन, दिस इज़ टू, दिस इज़ थ्री, दिस इज़ फोर, दिस इज़ फाइव, दिस इज़ सिक्स एंड दिस इज़ सेवन, यहाँ पर जो हमको मिला है दैट इज़ सेवन। तो यहाँ जो ऑप्शन है एलआरयू के केस में टेन और ऑप्टिमल के केस में सेवन, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।